हाउ टू हाइड फेसबुक फ्रेंड्स लिस्ट इन योर एंड्रॉयड फ़ोन। आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है और आप अपने फेसबुक के फ्रेंड्स लिस्ट को किस तरीके से हाइड करके रख सकते हैं। द थिंग इज़ दैट जब बात आती है यहाँ पर सिक्योरिटी की और सेफ्टी की, तो ऐसे केसेस में हमें अपना फेसबुक अकाउंट सबसे पहले सिक्योर रखना चाहिए जब बात आती है ऑनलाइन सिक्योरिटी के, बिकॉज़ फेसबुक आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जो एप्लीकेशन ज़्यादा पॉपुलर होता है सोशल मीडिया, हैकर्स उसे ही हैक करने की कोशिश करते हैं लोगों का डेटा स्टील करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा हम अपने अकाउंट को सेफ रखें, स्पेशली सोशल मीडिया अकाउंट पे, उसने में ही हमारी सेफ्टी है। तो अगर आप ऐसे केसेस में आपको ज़रूरत पड़े अपने फेसबुक के फ्रेंड्स लिस्ट को हाइड करने की, तो आप यहाँ पे इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप फेसबुक एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं और फेसबुक एप्लीकेशन में जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको प्राइवेसी सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फेसबुक फ्रेंड्स लिस्ट को हाइड करने का। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है पब्लिक, जिसको आपको नहीं सेट करना है अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं अपने, तो इसके लिए उसके नीचे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स का। अगर आप चाहे तो अपने फेसबुक के फ्रेंड्स लिस्ट को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बट फेसबुक उससे भी ज़रा सिक्योर आपको ऑप्शन और डाउनसाइड मिलता है, उसमें से भी आप कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ में अपने फ्रेंड्स लिस्ट को शेयर कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में अगर मैं फेसबुक पे यूज़र के बेसिस से बात करूँ, तो अगर हमारा जो हमारा फ्रेंड लिस्ट है वो दूसरे फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा कोई फेसबुक यूज़र है उसके फ्रेंड्स लिस्ट से कम होता है, तो हम यहाँ पर अपने आप को जेलस फील करते हैं। तो ऐसे ही होता है, ऐसे केसेस में अगर आप नहीं चाहोगे ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो, तो ऐसे केसेस में आप अपने फेसबुक के फ्रेंड्स लिस्ट को हाइड कर सकते हैं इस सेटिंग्स में आके। तो अगर आप किसी के साथ भी अपने फेसबुक के फ्रेंड्स लिस्ट को शो नहीं करना चाहते, तो आप इसे ओनली मी वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपका लिस्ट किसी को दिखेगा नहीं। बट आप यहाँ पे इंडिविजुअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि किसके साथ आपको अपना फ्रेंड्स लिस्ट शेयर करना है और किसके साथ आपको नहीं शेयर करना है। आप इंडिविजुअली यहाँ पे वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक और दूसरा भी ऑप्शन बताऊंगा जो आपको हाइड करके रखना चाहिए अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं। तो अगर फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट को हाइड करने के बाद एक और ऑप्शन है जिसे आपको हाइड करके रखना चाहिए, वो है आपको यहाँ पर हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये आपका एवरी वन पर सिलेक्ट होगा, तो इसको आपको डायरेक्टली फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पर सेट कर देना है, बिकॉज अननोन पर्सन फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है अगर आप एवरी वन पे सेट कर सकते हैं करते हैं तो। उसके अलावा आपको डाउन सेट में और भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग मिल जाता है, आपको अपने ईमेल आईडी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, तो आपको डायरेक्टली इसे ओनली मी पे सेट कर देना है। जिसे आप ओनली मी पे सेट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो कोई भी देख नहीं पाएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से आपको और भी सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप चाहे तो अपने मोबाइल नंबर को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको इस ऑप्शन में जाना है और इस पर भी अपने मोबाइल नंबर को अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो उससे आप ओनली मी वाले ऑप्शन पे सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका मोबाइल नंबर कोई भी देख नहीं पाएगा अगर आपने फेसबुक पर अपना मोबाइल नंबर पुट किया है तो। तो अगर आप फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स की लिस्ट को हाइड करके रखते हैं, तो उसके साथ साथ ये भी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको अप्लाई करनी है। आपका फेसबुक अकाउंट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा और साथ ही में आपका फ्रेंड्स लिस्ट भी यहाँ पर हाइड रहेगा।